वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग का सीन है गाइज, आज मैं क्वीन स्ट्रीट ब्रामटन में आया हूँ, जो है डाउनटाउन ब्रामटन। मेरे को आज स्कोशिया बैंक में अपॉइंटमेंट मिला था सेविंग्स अकाउंट एंड जीआईसी अकाउंट ओपन करने के लिए, तो उस काम के लिए आया था। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना शो यू इन दिस व्लॉग इज, मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना होता है टू गेट योर जीआईसी एज वेल योर सेविंग्स अकाउंट एक्टिवेटेड, बिकॉज विदाउट फंड्स यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव हियर इन कैनेडा, बिकॉज आपको आते ही तो पार्ट टाइम नहीं मिलता है, राइट। तो इनिशियल डेज में यू वॉन्ट योर जीआईसी टू गेट एक्टिवेटेड, उसके लिए जो भी प्रोसेस होगा मैं बता दूंगा। एंड मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है ऑलरेडी, बिकॉज बैंक के अंदर मैं शूट नहीं कर पाया, तो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को नेविगेशन करने में, प्रोसेसेस करने में कोई दिक्कत ना हो। अभी मैं ब्रामटन के सिटी हॉल पे हूँ, जो क्वीन स्ट्रीट में ही है, एंड इट्स ऑल स्नो अराउंड मी गाइस। जस्ट देखो मेरा बैकग्राउंड पीछे, जिस तरफ भी घुमाऊंगा इज जस्ट स्नो एंड पाउडरी, कम्प्लीटली ब्यूटिफुल एंड पीसफुल एज वेल। आज टेम्परेचर सही है यार, -2, -1, 0, +1 तो नहीं हुआ है, बट हो सकता है, चांसेस आर देयर। टेम्परेचर इज कम्प्लीटली बियरेबल एंड आई एम एंजॉइंग हियर, ब्लॉगिंग के लिए परफेक्ट है। एंड ऑल्सो मेरे पीछे का इस गेज पार्क है, जहाँ पे आइस स्कीइंग कर रहे हैं, हॉकी भी शायद हो रहा है, मेरे को दिखा नहीं। पार्क में एंटर करते आप लोगों को दिखाता हूँ। सामने ये जो पार्क है गाइज, इट्स द गेज पार्क, यहाँ पे एंटर होते हैं, एंड इफ यू कैन सी पीपल आर एक्चुअली स्केटिंग देयर, आइस स्कीइंग कर रहे हैं। ये जो सामने है गाइज इज द पील आर्ट गैलरी म्यूजियम प्लस आर्काइव्स, इसमें सारा हिस्टोरिक चीज इज वेरी फेमस है इन ब्रामटन। एंड दिस साइड दैट्स द टावर विद द क्लॉक इज माय यूनिवर्सिटी, एल्गोमा यूनिवर्सिटी, उसके एकदम पास में है। एंड दिस इज द गेज पार्क गाइज आई वाज टॉकिंग अबाउट, इसके अंदर आइस किंग वगैरह सारा कुछ हो रहा है। लेट्स एंटर हियर एंड सी। ये सारे लैम्प्स है गाइज, ये रात को सारा कुछ लाइटिंग वगैरह ऑन हो जाता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एट नाइट। मैं आया तो नहीं, बट मैंने एक फ्रेंड के स्टोरी पे देखा था इंस्टाग्राम पे, लाइक दिस गेज पार्क लुक्स अमेजिंग, मार्वेलस लगता है रात को, पूरा लाइटिंग हो जाता है, पीपल एक्चुअली क्लिक पिक्चर्स हियर, यहाँ पे खड़े होकर पूरा लाइटिंग रहता है, ये ऊपर वाला यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करते हैं, इट्स अमेजिंग। ये पूरा एरिया गाइज गेज पार्क के अंडर ही आता है, तो इस गेज पार्क ये पूरा रात को पूरा लाइटिंग वगैरह होता है, हर एक पेड़ के साइड में लाइट्स वगैरह लगाए हुए, पूरा पेड़ में लाइटिंग है एक्चुअली। ये पूरा ट्रैक है गाइस स्केटिंग के लिए, ऑलराइट गाइस गेज पार्क से अभी निकलते हैं गाइस, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास स्केटिंग शूज नहीं है, एंड मैंने आपको जो ट्रैक दिखाया है उसमें नॉर्मल शूज ऑब्वियसली वोंट वर्क, स्केटिंग शूज आर कंपलसरी टू एंटर द ट्रैक ऑफ आइस स्केटिंग, एंड मेरे पास शूज नहीं है, तो मैं अभी ट्राई नहीं कर सकता, जो दो मंथ था मेरे को ट्राई करने का, इट्स ऑलवेज गुड टू एक्सप्लोर यू नो, तो वही ये फिर कभी कर लेंगे। अभी के लिए ब्रामटन का आगे डाउनटाउन आप लोगों को दिखाता हूँ, बैंक का डिटेल्स भी शेयर करता हूँ, तो लेट्स गो। गाइज मैं जो स्कोशिया बैंक में गया था ना मेरा जीआईसी सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए, फर्स्ट यू शुड टेक एन अपॉइंटमेंट, बिकॉज कोविड के लिए अभी वो लोग वॉक इन अलाउ नहीं कर रहे, यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट बाय कॉलिंग द ब्रांच, वो लोग अपॉइंटमेंट दे देते हैं, उसी डेट एंड टाइम पे आपको जाना है बैंक को विजिट करना है विद योर स्टडी परमिट, पासपोर्ट एंड सिन नंबर। बहुत लोगों को लगता है कि सिन के बिना अकाउंट खुल जाएगा, बट नहीं खुलता है, यू हैव टू ब्रिंग योर सिन नंबर, उसमें आपका एड्रेस वेरीफिकेशन रहता है, आपका एड्रेस सिन में मेंशन किया होता है, तो इसलिए दे लास्ट फॉर योर एड्रेस, बिकॉज आपके उस एड्रेस में आपका क्रेडिट कार्ड इशू होगा, तो सिन लाना, स्टडी परमिट लाना एंड ऑल्सो ब्रिंग योर पासपोर्ट। मेरा जीआईसी एंड सेविंग्स अकाउंट एक्टिवेट हो गया था, बट जो मैम थी जो जिसने मेरा किया सारा कुछ प्रोसेस, शी वाज लाइक कि आपको क्रेडिट कार्ड इशू होगा आपके एड्रेस पे 7 से 12 बिजनेस डेज के अंदर अंदर, एंड आपको अभी मैं डेबिट कार्ड इशू कर देती हूँ, एंड ऑल्सो आई एम ओपनिंग वन चेकिंग अकाउंट फॉर यू एंड अनदर सेविंग्स अकाउंट। अब सेविंग्स अकाउंट का क्या फंक्शन होता है, सेविंग्स में यू कैन विदड्रॉ एंड सेव योर मनी, एंड चेकिंग में आपको बस आपका जीआईसी का पैसा मिलेगा, उसमें आपको विदड्रॉ कर सकते हो, सेव नहीं कर सकते, एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट भी नहीं कर सकते, जस्ट विदड्रॉ टू सर्वाइव हियर इन कैनेडा, एंड वो एक साल तक वैलिड है वो अकाउंट, उसके बाद वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। एंड ऑल्सो सेविंग्स इज इन योर कंट्रोल, यू कैन पुट इन द मनी, टेक आउट द मनी एनी टाइम यू वॉन्ट, एंड सारा कुछ स्कोशिया बैंक के एप्लीकेशन के थ्रू होगा, बैंक में मत आना, बैंक में अगर कोई ऑप्शन नहीं रहता देन ओनली कम टू बैंक, बिकॉज बैंक में कैश में सारा कुछ होता है, यू डिपॉजिट इन कैश, यू विदड्रॉ इन कैश,
ठीक है, तो बैंक में नहीं आना इस बेटा, सारा कुछ ऐप में हो जाता है। एंड ऑल्सो शी वॉज लाइक कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप डेबिट कार्ड यूज़ करो ट्रांजेक्शन के लिए, बिकॉज क्रेडिट हिस्ट्री मैटर्स अ लॉट। इसलिए यूज़ योर क्रेडिट कार्ड एंड ऑल्सो रीपेड इमीजिएटली फ्रॉम योर डेबिट कार्ड, ठीक है, ऐप के थ्रू हो जाएगा। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, विच यू वॉन्ट टू सेव, यू कैन डायरेक्टली पुट इट फ्रॉम योर GIC अकाउंट टू योर सेविंग्स अकाउंट थ्रू द ऐप। एंड अगर आपके पास शॉर्टेज है, देन आप सेविंग से GIC अकाउंट में भी ला सकते हो इमीजिएटली थ्रू द ऐप। दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट, यू वोंट बी एवर स्टार्विंग फॉर मनी, ठीक है। तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन है स्कोशिया बैंक का, सारा कुछ ऐप के थ्रू हो जाता है, इट्स वेरी गुड। तो दिस इज द इन्फॉर्मेशन यू शुड कीप इन माइंड, मैक में आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। एंड ऑल्सो मेक श्योर यू गिव पिन नंबर्स विच यू कैन रिमेंबर, बिकॉज चेंज वगैरह करने में बहुत दिक्कत आता है। तो सारे कुछ नोट डाउन कर लेना, व्हाट्सएप पे फैमिली को सेंड कर देना पिन नंबर्स, एंड ऑल्सो अपने कहीं पर लिख लेना, बिकॉज दैट विल बी द ओनली थिंग, ओनली सेफ्टी थिंग फॉर योर डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, राइट। अच्छा देखो गाइज, ये है कॉन्डो, एकदम डाउनटाउन ब्रैम्पटन में है। एंड इन कॉन्डोज का रेंट बहुत ज़्यादा होता है, 2,500 to 3,000 dollars। लाइक ऑब्वियसली यू कैन लिव लैविशली, बट रेंट ज़्यादा होता है, एकदम डाउनटाउन में है तो एक्सपेंसिव हो गई। तो द टारगेट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट शुड बी फर्स्ट गेट इन द बेसमेंट, देन कम टू द अपर फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में आओ, फिर एक कॉन्डो पे लो, फिर बाय आउट अ हाउस फॉर योर सेल्फ। दिस शुड बी द स्टेजेस ऑफ योर इम्प्रूवमेंट हियर इन कैनेडा। गाइज मेरे पीछे स्कोशिया बैंक, मैंने अपना अकाउंट वगैरह सारा कुछ एक्टिवेट कर लिया है। अभी बढ़ते हैं आगे, बस लेता हूँ, फिर लेट्स गो टू डिफरेंट साइड ऑफ दिस डाउनटाउन एंड एक्सप्लोर। पीछे आप देख रहे हो ना गाइज, ये मेरा यूनिवर्सिटी, अल्गोमा यूनिवर्सिटी, बहुत दिन से बंद है यार, मन है यूनिवर्सिटी में जाने का, बट वही कोविड के कारण अभी कैनेडा में केसेस तो बढ़ नहीं रहे, बट पीपल आर स्टिल डाइंग। With your love, find my rest and I can see you lead me. Winters में सारे chess के tables cover हो रखे हैं यार guys, नहीं तो समर्स के टाइम में सारे लोग यहाँ पे बैठ गए, दे हैव अ गाला टाइम एंड प्ले चेस एंड ऑल्सो graffiti वगैरह यहाँ पे सारा पेंटिंग्स किया हुआ है। दिस प्लेस इज रियली नाइस गाइज। मुझे सामने का चीज़ है, दैट इज द बस टर्मिनल, आई विल टेक अ बस फ्रॉम हियर टू माय एड्रेस एंड गो। ऑलराइट गाइज, मैं अपने घर वाले बस स्टैंड पे उतर गया हूँ, राइट नाउ आई एम जस्ट वॉकिंग इन बिटवीन दिस पार्क। घर के पास ये वाला पार्क है, अगर आपको मन है जाने का तो ऑलवेज मेक श्योर आप इन जगहों में से मत जाना, ऑलवेज फॉलो द ट्रेल, जहाँ से ऑलरेडी लोग चले गए हैं वहाँ पे ना बर्फ दब गया है, तो यू कैन वॉक फ्रॉम हियर, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ पे ज़्यादा डेप्थ है, आपका पूरा पैर घुस सकता है, ठीक है। तो अगर गिरना नहीं चाहते हो देन फॉलो द ट्रेल, मैं भी यहीं से जाऊँगा एंड लेट्स गो देयर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर, जाके देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। होली शिट मैन, पीछे पार्क देखो गाइस, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क्स इन ब्रैम्पटन, पूरा स्नो से ढका हुआ है यार, पूरा स्नो से ढका हुआ है, जस्ट मेरे घर से 150-200 meters दूर है ये वाला पार्क, इट्स अमेजिंग, ओह माय गॉड, सी द पार्क, इट्स ह्यूज। ये जो है ना गाइस, ये जो चीज़ है कि इसमें आप लोगों का सारा पोस्ट वगैरह आता है, इसमें सारा मेल वगैरह जो भी सीन है सारा कुछ इस पर डाल दिया जाता है। यू हैव टू चेक इट, व्हेनेवर यू वांट टू चेक इट यू जस्ट कम हियर, ओपन द मेल बॉक्सेज एंड अपना जो लेटर वगैरह जो भी आया होगा वो लेके यू कैन गो होम। तो ये यहाँ पे सारा कुछ आता है, डोर टू डोर डिलीवरी नहीं होता, सारा कुछ ये पोस्ट बॉक्स में डाल के वो लोग जाते हैं। एंड लास्टली गाइज, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग करने का स्टाइल पसंद आता है, द वे आई शेयर माई इन्फॉर्मेशन, इफ इट्स यूजफुल टू यू, सो मेक श्योर द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो, मेरे चैनल के साथ बने रहो, बिकॉज मैं हर एक चीज़ कवर अप करने का कोशिश करूँगा, बिकॉज आई गॉट नो गाइडेंस एन ए केम हियर। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यहाँ पे लैंड होते, बहुत तरह का साइकोलॉजी प्ले करता है दिमाग में, एंड माई मोटो इज टू गिव यू द एग्जैक्ट नेविगेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको इनिशियल डेज पे काम आएगा, आगे जाके आप खुद समझ के आप खुद का जर्नी खुद डिसाइड कर सकते हो, बट इनिशियल डेज में माई चैनल विल हेल्प यू, सो मेक श्योर यू आर स्टेइंग ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा टाइम लगता है, दैट्स माई ओनली मोटिवेशन टू मेक व्लॉग्स फॉर यू गाइज, एंड माई सिग्नेचर स्टाइल, टिल देन स्टे अवेयर, स्टे सेक्सी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।